सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखण वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करदी हां। खबरां दी शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैणी आ सुर्खियां दे वल। मोरको च वापरिया भयानक सड़क हादसा, बस पलटन नाल 24 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान रेल हादसे च हुण तक 30 लोगों की मौत, 80 तो वध लोग जख्मी, हादसे के कारणों की की जा रही है जांच। लुधियाना चणख खातर भरा ने गोलियां मार के किया भैन का कतल, वारदात तो बाद खुद ही पहुंचा थाने। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। मोरक्को दे अजीलाल सूबे च एक बस हादसे च घट्टो घट 24 लोगों की मौत हो गई है। देश विच हाल ही दे सालां विच सब तो भयानक हादसों विचों एक है। मोरक्को ने स्थानक अधिकारियों के हवाले नाल दस्सिया है कि हादसा उस समय वापरिया जदों मोरक्को के छोटे शहर जेमनेड च हफ्तावारी बाजार जा रही एक मिनी बस एक मोड़ से पलट गई। हादसे के कारणों का पता लगाने लई जांच शुरू कर दी गई है। तुहानू दस दईए कि मोरक्को ते होर उत्तरी अफ्रीकी देशों दीआं सड़कां ते अक्सर हादसे वापरदे रहिंदे ने ते बहुत सारे गरीब नागरिक पेंडू खेतरां विच यात्रा करन लई कोचां ते मिनी बसां की वरतों करदे। पाकिस्तान के सिंध सूबे च एक एक्सप्रैस ट्रेन के कई डब्बे पटड़ी तो उतर जाण कारण घट्टो घट 30 लोगों की मौत हो गई है ते 80 तो वध जख्मी होए ने अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हजारा एक्सप्रैस कराची तो रावलपिंडी जा रही सी। नवाबशाह जिले के सरहारी रेलवे स्टेशन नेड़े रेलगड्डी पटड़ी तो उतर गई। सरहारी कराची तो 275 की दूरी से स्थित है। रेल मंत्री साद रफीक ने मीडिया को दस्सिया कि हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है ते 80 जख्मी होए ने। मंत्री ने कहा कि रेलवे अधिकारियों ने सब तो वड्डी तरजीह बचा कार्ज नूं पूरा करना। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाने लई जांच की जाएगी। फिलहाल कुछ यात्री अजे भी एक डब्बे विच फसे हुए हैं। चंद्रयान 3 दे चंद्रमा दे पंध च दाखिल होण तो एक दिन बाद भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 द्वारा देखा गया चंद्रमा का एक वीडियो जारी किया है। पुलाड़ एजेंसी ने कैप्शन के नाल वीडियो जारी किया है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा जिमें कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के पंध विच प्रवेश दौरान देखा गया। देखा जा रहा है कि चंद्रमा के नीले हरे रंग के कई टोए ने देर रात होने वाली दूजी वड्डी गतिविधि तो कुछ घंटे पहला ही वीडियो जारी हुई। इसरो ने चंद्रमा की पहली झलक ट्विटर से शेयर की है। दस दिए कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा तो लॉन्च किया गया। इस तो बाद पुलाड़ यान धरती के 5 चक्कर लाते हुए चंद्रमा वाल रवाना होया। मिशन लई महत्वपूर्ण दिन से क्योंकि चंद्रयान 3 ने अपना लूनर ऑर्बिट इंसरशन पूरा किया। सरल भाषा भी समझिए तो चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के पंध से पहुंच गया। हुण चंद्रयान पुलाड़ यान ने चंद के 4 चक्कर लगाने ने फिर यह सत्ता के नेड़े पहुंचने से लैंडिंग की तैयारी करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग की संभावना। राज्यसभा मैंबर ते वातावरण प्रेमी संत बलवीर सिंह सिंचेवाल दे यतना नाल पिछले 2 महीनियां तो इराक च फसियां 2 पंजाबी धियां नूं भारत वापस लिया गया। पीड़ित लड़कियां ने निर्मल कुटिया सुल्तानपुर लोधी पहुंच के संत सिंचेवाल दा धन्नवाद करदे कहा कि जेकर भारतीय अंबैसी ने साडी मदद ना की हुंदी तां नरक भरी जिंदगी चों निकलना असंभव सी। पीड़ित लड़कियां ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि उन्हां दे रिश्तेदारां ते ट्रैवल एजेंटां ने उन्हां नूं अजिहे सुपने दिखाए कि उह इन्हां ठगां दे जाल विच फस गईआं। कपूरथला दी रहण वाली पीड़ित लड़की ने दस्सिया कि उसदी रिश्तेदार मीरा ने उसनूं घरेलू काम दे बहाने ग्रीस भेजिआ सी ते मोटी तनखाह दा वी लालच दित्ता सी, पर मीरा ने इसनूं ग्रीस भेजण दी बजाए धोखे नाल इराक भेज दित्ता ते उत्थों दी कंपनी नूं वेच दित्ता ते उसदा पासपोर्ट भी जब्त कर लिआ। लुधियाना दे पंजपीर रोड ते अनख खातर भरा ने अपनी भैन नूं गोलियां मार के कतल कर दिता। इस वारदात च मृतका दा पति गंभीर रूप च जख्मी हो गया जिसनूं इलाज लई DMC हस्पताल दाखिल करवाया गया। वारदात देर रात दी है। मृतका दा नाम संदीप कौर है जदों कि उसके जख्मी पति दा नाम रवि है।
कातल भरा का नाम सूरत दसिया जा रहा है जो कि वारदात को अंजाम देने तो बाद खुद ही थाने पहुंच गया ते पुलिस सामने सरेंडर किया। सूत्रों मुताबिक मृतका संदीप कौर का भरा सूरज ते उसका पति रवि दोवें पुराने दोस्त सन। कुछ समय पहला संदीप कौर ने घरों भज के रवि नाल व्याह करवा लिया। इस गल तो मृतका का भरा सूरज काफ़ी गुस्से च सी जिसने पंजपीर रोड स्थित रवि के घर दे जाके दोवां ते हमला करके संदीप कौर नूं मौत दे घाट उतार दिता। फिलहाल पुलिस वालों मामले च अगलेरी कार्रवाई करन दी गल आखी जा रही है। रात को 7:45 बजे पुलिस को एक इतला मिली सी ते एक कुड़ी जिदा की नाम संदीप कौर है उदा मर्डर कर दिता गया है ते उदे जिहड़ा उदा घरवाला जिदा की नाम रवि है जिदी उम्र करीब 24 साल की है उन्हू काफ़ी वो जख्मी हालत दे विच है ते इसी इतला ते ये जिहड़ा इंसीडेंट है पंजवी रोड ते होया सीगा ते इसी इतला ते काम करदे हुए फौरी तौर ते साडे ACP वेस्ट SHO साहब ते उन्हां दी सारी टीम मौके ते पहुंची। मौके पर सब तो पहले जाके जिहड़ा मुंडा सीगा रवि जिन्हों की जो काफ़ी जख्मी हालत दे विच सीगा उन्हों सब तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट उहदा कराया गया ते सारा मौका मुलायजा किया गया। उत्थे जाके जदों पुछ पड़ताल की तो सानू पता लग्या कि ये सारी जिहड़ी वारदात हैगी आ इसनू जिहड़ी कुड़ी है संदीप कौर उहदा भरा सूरज उहदे वल्लों इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया ते वजह रंजिश ये सीगी कि जिहड़ा रवि मुंडा सीगा वो सूरज दे कोलों ही काफ़ी लंबे समय तो काम करदा सीगा ते पिछले कुछ समा दे विच ही रवि दी ते जिहड़े सूरज दी भैण है संदीप कौर उहदी आपस च निड़ता हो गई ते जदों घरवाले नूं जिहड़े हैगे आ वो इस गल तों राजी नहीं सीगे ते इन्हां ने भज के फिर बाहर जाके कोर्ट मैरिज कर ली ते एक हफ्ते पहले ही जदों लौट के आए सीगे ते जदों संदीप नूं पता लग्गिया इह वापस आ गए हैं ते फिर संदीप ने सूरज ने अपनी भैण संदीप ते रवि नूं मारन दी साजिश रची ते उत्थे जाके फिर इस पूरी वारदात नूं अंजाम दित्ता। अमृतसर के बोटवाला शिवालय के नेड़े साईं बाबा मंदिर की इमारत नूं अग लगन की घटना सामने आई है जिस नाल मंदिर की उपरली मंजिल की रिहायश का सारा समान सड़ के सुआह हो गया। अग लगन का कारण शॉर्ट सर्कट दसिया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने दसिया कि उन्होंने बेटी की 9 तरीक न मलेशिया की फ्लाइट से उसका पासपोर्ट के वीजा से लैपटॉप सड़ के सुआह हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार के दानी सज्जना अगे मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी भी मौके पर पुज गए हैं मामले की जांच शुरू कर दी। कपूरथला विखे देर रात सीनियर पत्रकार रजनीश चौधरी ते उन्हां दे लड़के ते कुछ हथियारबंद नौजवानों वालों जानलेवा हमला किया गया जिस दौरान पत्रकार रजनीश चौधरी ते हमलावरां ने दात मार के उसनू गंभीर जख्मी कर दिता जो कि सिविल हस्पताल विखे जेरे इलाज है। पत्रकार ने अपने बयानों च लुट खोह वाले अंसरां ते शक जताया ते पुलिस तों सख्त कार्रवाई की मांग की। बेटे का फोन आया मैनू भी पापा इदा इदा ना 4-5 मुंडे जो है दस दिखा के गड्डी खोली तो मैनू भी बच्चे बिठा लिया तो जाते जो उन्होंने गड्डी चलाई तो उन्होंने शराब शुरू पीती हुई थी कि उन्होंने गड्डी मुड़ के खंभे च मार हुई तो भज गए। वो 4-5 जने से उस वे जो मैं मौके पर पहुंचया तो उस वे फिर दोबारा आ गए 2 जने तो जो मैं उन्होंने पूछा भी गड्डी किदा खोली तो उन्होंने मेरे से दात नाल हमला करता सिर पर सिर पर मारिया दात मेरे फिर उन्होंने दूजा दात मारने की कोशिश की मैं अपना सज्जा हाथ मूहरे कर दिता तो जो कि मेरे आह अंगूठे तो उंगलों के विचकार लगा तो फिर उन्होंने एक मुंडा होर सी जॉन जॉन तो जिन्हें मेरे दात मारे अपने आप को बिल्ला बदमाश दसदा कहना मेरे से 12-13 परचे पहले एक होर हो जी तो कोई गल नहीं तो फिर लोग जो आसे पास इकट्ठे हो गए पर मूहरे नहीं कोई आए तो दूरों ही लोग उन्होंने कहते रहे छड़ दो छड़ दो छड़ दो। इस दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल भी खोलिया तो मेरी जेब च 35,000 रुपया पिया से तो वह भी खो गए तो कोई रंजिश नहीं कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं कोई कुछ नहीं मैं तो सिर्फ अपने बेटे मगर गया से भी पता नहीं बेटे नूं की कर दिता उन्होंने।
अमृतसर उत्तर भारत दीआं 16 जथेबंदियां वलों 4 अगस्त नूं तालमेल कमेटी दे मैंबर सरवन सिंह पंधेर वलों पिछले दिनी जथेबंदियां दी मीटिंग विच हड़ां दे मुआवजे ते केंद्र सरकार वलों पैकेज ना देण कारण अते होर मंगां नूं लै के 22 अगस्त नूं चंडीगढ़ वल ट्रैक्टरां ट्रालियां नाल कूच करन दा फैसला कीता गया सी। इस मोर्चे दीआं तैयारियां दे चलदिआं पंजाब विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वलों औरतां दीआं कन्वेंशनां करके तैयारियां शुरू करदे होए जथेबंदी दे सीनियर आगू सरवन सिंह पंधेर दी जिला अमृतसर वालों पिंड रमाणा चक विच औरतां दी वड्डी कन्वेंशन हुई। उन्हां मंग कीती कि सरकार पूरे उत्तर भारत विच हड़ां नाल होए नुकसान दा केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए दा विशेष पैकेज दी मंग करे। उन्हां कहा कि सरकार ने जल्द सख्त कदम ना चुके तां आउंदे दिनां च जथेबंदी तिखा एक्शन करेगी। जो उत्तर भारत दीआं जथेबंदियां ने फैसला कीता कि 22 नूं चंडीगढ़ च मोर्चा लाया जाएगा ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਘੱਗਰ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਸੰਚਾਲਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਘਰ ਟੱਟ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। कपूरथला विच वख-वख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनां ने जुगाड़ू रेहड़ी नूं बंद करन दे विरोध विच इक रोस मार्च किया, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों के अनुसार जुगाड़ू रेहड़ी नूं गैर कानूनी ढंग नाल तैयार किया जा रहा है ते इस अभ्यास दे कारण जिन्हां कोल सरकार द्वारा नेड़े वाहन लोड करन वाले ने जो हर साल 1,000 रुपए टैक्स अदा करते हैं ते होर कानूनी कार्रवाई दे विच शामिल होंदे ने, पर इस दे बावजूद उन्हां नूं बहुत वड्डा नुकसान हो रहा, उन्हां नूं व्यापारक नुकसान हो रहा क्योंकि जुगाड़ू रेहड़ी घट कीमतों ते माल लोड करन लई काम आउंदी है ते उन्हां ने इन्हां गलियां नूं करने लिए प्रशासन ने पहला भी कई चिट्ठियां दित्तियां ने पर उन्हां ते विचार नहीं किया जा रहा। दूजे पासे सुल्तानपुर लोधी पुलिस स्टेशन के मुखी जो प्रशासन तो वध पहुंचे उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों नूं जल्द ही उच्च अधिकारियों नाल मीटिंग की जाएगी ते कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 14-15 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਡਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚੋਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ TC ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ। 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੁਗਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 1 ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।